इंतजार क्यों करोगे? जो बात मैं आगे कहने जा रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। आदम जब भारत की धरती पर अपने पवित्र कदम को रखा तो अकेले आदम नहीं थे, कैच करना, अकेले आदम नहीं थे, उनमें नूरे मोहम्मदी भी था। नूरे मोहम्मदी मक्के में बाद में, मदीने में बाद में, ताइफ में बाद में, अरब में बाद में, आदम के शरीर में चमकता हुआ सबसे पहले भारत में। जिसमें आदम में रहा तब हमको ये कहने से कौन रोकेगा? मुसलमानों को तो बिल्कुल नहीं रोक पाओगे, वो तो चिल्ला के कहेगा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। वैचारिक दृष्टिकोण से इसका महत्व, हमने अपने देश का महत्व आपको बताया। आप भौगोलिक हिसाब से भी देखो, भौगोलिक आइडियोलॉजिकल देख लिया कि आदम प्रॉफेट हिज होली लेग विद नूरे मोहम्मदी। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपने सुन लिया, अब ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में मौसम वायुमंडल बांट दिया, अलग अलग दिया। यूरोप वालों बर्फिस्तान बन जाओ, रेगिस्तान बनने नहीं दूंगा। अरब वालों रेगिस्तान ले लो, बर्फिस्तान पर तरस जाओगे। देखा आपने, अल्लाह ने भूगोल को वायुमंडल को एक एक करके बांटा, किसी को बर्फिस्तान बना दिया, किसी को पहाड़िस्तान बना दिया, किसी को रेगिस्तान बना दिया, किसी को जंगलिस्तान बना दिया। कहीं पानी इतना बरसा कि कोई नहीं तरसा, और कहीं पानी बरसा नहीं सब तरसने लगे। पानी की एक एक बूंद के लिए डिजर्ट एरिया में लोग मरने लगे। एक मौसम यूरोप को दे दिया, एक मौसम अफ्रीका को दे दिया, जंगलों से भर दिया। एक मौसम अरब को दे दिया, तापमान बढ़ा दिया। लेकिन जब भारत का नंबर आया तो पूरी दुनिया में जो मौसम बांटा था रब ने इकट्ठा हिंदुस्तान को दे दिया। हमारे देश में रेगिस्तान देखना है तो राजस्थान जाओ, जंगलिस्तान देखना है तो मेघालय जाओ, बर्फिस्तान देखना है तो शिमला जाओ, उपजाऊ जमीन देखना है तो हरियाणा पंजाब जाओ, बहता हुआ दरिया देखना है तो गंगा जमुना सरस्वती देखो, गुजरात में दरिया, यूपी में दरिया, ऊपर हिमालया बहता हुआ दरिया, रेगिस्तान यहां, जंगलों की भरमार यहां, और पहाड़ों की लाइन देखना है तो मध्य प्रदेश के बंबई तक चले जाओ। अल्लाह ने जो नेमतें दुनिया में बांट कर दिया था वो सब का सब इकट्ठा हिंदुस्तान को दे दिया। मैं क्यों ना कहूं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो लिंक ये है कि जो पहला प्रॉफिट आया दुनिया में और उसने तौहीद की गवाही दी, वननेस ऑफ ऑलमाइटी, वो आदम अलैहिस्सलाम है। तो इस्लाम स्टार्टेड फ्रॉम आदम,
and completed by Holy Prophet Muhammad. Al-Yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. Aaj maine tumhara deen tumko mukammal kiya hai, start nahi kiya hai. To ye dimag se nikal lo ki Islam 1400 baras se hai. ये दिमाग से निकाल दो कि इस्लाम 1400 बरस से है. इस्लाम तब से है जब से इंसान शुरू हुआ है. आदम अलैहिस्सलाम से, शीश अलैहिस्सलाम से, नूह अलैहिस्सलाम से. अगर कोई सनातन धर्म है तो इस्लाम है, कोई पुराना धर्म है तो इस्लाम है, अगर कोई फर्स्ट रिलीजियन इन द वर्ल्ड है. इसीलिए देखो